सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पर क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट। ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर mahindraguru.com में, और मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में। जी हां, एक नया सेशन, सिलॉगिज्म, न्याय निगमन। आज के टॉपिक का नाम है स्लॉग्स, और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्लॉग्स के नए नए कंसेप्ट, स्लॉग्स के ऐसे कंसेप्ट जिनको देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने और पढ़ाने दोनों में बहुत मजा आता है, तो ये उन टॉपिक में से एक है जिसमें आपको पढ़ने पर भी मजा आएगा और जिसमें मुझे पढ़ाने में भी बहुत मजा आने वाला है। एक्चुअल में बात करूं तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो काफी लोगों के लिए बहुत बार पढ़ने के बाद भी दिमाग में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा रह जाता है जो छूट जाता है। तो मैं आज आपको गारंटी देता हूं कि हम लोग स्लॉग्स को इतना बेसिक से पढ़ेंगे, इतना बेस से पढ़ेंगे कि उसके बाद कभी भी आपको स्लॉग्स कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरी बात को समझिएगा, आज मैं आपके लिए कोई पीपीटी लेकर नहीं आया, आज मैं आपको आपसे ही सिखाऊंगा, आज आप लोग अपने आप को खुद पढ़ाएंगे, आज मैं एक नए तरीके से क्लास लेने वाला हूं, आपको आज खुद को पढ़ाने का मौका मिलने वाला है। तो गाइस, आज का सेशन बहुत जबरदस्त होगा, एक बच्चे की तरह हम लोग सीखेंगे आज की क्लास को, एक नए तरीके से, एक नए फॉर्मेट में स्लॉग्स पढ़ेंगे। मैंने बहुत सोचा कि कैसे स्लॉग्स इनको पढ़ाऊं कि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्या ऐसा करूं कि ये स्लॉग्स सीख जाए, क्योंकि बहुत बार स्लॉग्स पढ़ाने के बाद भी, बहुत बार पढ़ा लिया, हर एक फैकल्टी ने पढ़ा लिया, बहुत जगह मैंने देखा स्टूडेंट हर जगह पढ़ लेता है, फिर भी कोई ना कोई पॉइंट क्यों बच जाता है। तो मैंने इस पर रिसर्च की कि क्यों कोई ना कोई पॉइंट हमेशा बच जाता है। तो अभी तक आप लोग एज अ स्टूडेंट सीखते थे, आज मैं आपको आपकी लैंग्वेज में सिखाऊंगा, आज आपको सीखने का जबरदस्त मौका मिलने वाला है। तो गाइस, तैयार है आप सभी लोग, रेडी हैं, सेशन की शुरुआत करी जाए, सेशन की शुरुआत करी जाए। आज आपको मौका मिलने वाला है देखो स्लॉग सीखने का, और बढ़िया तरीके से। देखो चले शुरुआत करें, जो मैं बोलता रहूंगा वो आप लिखते रहिएगा, और कैसे हम सीखेंगे समझिएगा। देखिए, ये आप हैं, समझना, आज मैं एक बिल्कुल नए तरीके से पढ़ाने वाला हूं, ये आप हैं, और आज आपको मौका दे रहा हूं मैं टीचर बनने का। आप एक टीचर हैं, आप एक टीचर हैं, और आप सिखा रहे हैं किस मेंबर को, आपको सिखाना है किस मेंबर को, समझ लेना। एक नए तरीके से सिखा रहा हूं आज मैं, एक नया तरीका दे रहा हूं, घर बैठे बैठे टीचर बना रहा हूं मैं आपको। आज आपको मैंने टीचर का रोल दिया है, आज आप टीचर हैं, ये हैं आप आज एक टीचर हैं, और आप एक स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, ये एक स्टूडेंट है, आप इस स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, ये सीखने वाला मेंबर है। अब समझिएगा खास बात, ये सीखने वाला मेंबर, और काम की बात क्या है, ये है कौन, क्वेश्चन है ये कौन है भैया, ये मेंबर स्टूडेंट जो नजर आ रहा है ये कौन है, मैं आपको बता दूं, ये है 4 साल का बच्चा, लिख लेना। ये जिसको आप सिखाने जा रहे हो ना, जिसको आप सिखाने जा रहे हो, जो सीखने वाला है वो कौन है, वो है 4 साल का बच्चा जो कुछ नहीं जानता, 4 साल का छोटा सा बच्चा है भैया। मैंने क्या कहा, आज मैं आपको ऐसे सिखा दूंगा स्लॉग्स कभी नहीं भूलोगे, ये आप एज ए टीचर काम करोगे, समझ लेना मेरी बात को, लिख लेना, नोट्स बनाते हुए चलना, आज ऐसा स्लॉग सीख लेंगे हम आज के दिन में और कल के दिन में कि कभी नहीं भूलने वाले, ये आप हो गए, नोट डाउन कर लिया। चलू आगे, आगे धीरे धीरे चलेंगे बहुत प्यार प्यार से, और आप किसको सिखाने जा रहे हो, 4 साल के छोटे से बच्चे को, समझना बहुत ध्यान से, ये आपका स्टूडेंट है, क्योंकि जल्दी जल्दी आप इतने बड़े स्टूडेंट को तो संभाल नहीं पाओगे, तो पहले सिखाओ 4 साल के बच्चे को, तैयार हो, 4 साल के बच्चे को आपको सिखाना है, मेरे वर्ड होंगे सिखाएंगे आप, तैयार है आप सभी लोग सिखाने के लिए इस बच्चे को। अब ये कैसे सीखेगा, ये क्या करता है, अब कुछ बातें समझ लो, समझना सर, एक बार मेरे को जूम कर दिया जाए, मेरे को एक बार जूम कर दिया जाए, समझना, पहले समझो मेरी बात को, आप एक टीचर हैं
और आपका स्टूडेंट कौन है? 4 साल का बच्चा। और ये 4 साल के बच्चे की खास बात क्या होती है? इस 4 साल के बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लॉग सीखना है आपको, ठीक है? आप सिखाओगे, वो सीखेगा। अब समझिएगा, 4 साल का बच्चा वही आंसर करेगा जो आप उसको सिखाओगे। समझिएगा बहुत ध्यान से, 4 साल का बच्चा केवल वो आंसर करेगा जो आप उसको सिखाओगे। तो आज आप एक एक लाइन सिखाएंगे, वो उन सब लाइन का आंसर करेगा। आप एक क्वेश्चन सिखाओगे, वो उसका आंसर करेगा। क्वेश्चन आंसर और इन क्वेश्चन आंसर को करके मेरी गारंटी है आज आप अप्रोक्स 70% स्लॉग सीख जाएंगे। तो तैयार हो जाइए एक नए तरीके से स्लॉग सीखने के लिए। देखो इंद्रजीत सिंह स्टार्ट तो बेटा कर लिया, स्टार्ट ही तो कर रखा है, लेकिन इंद्रजीत सिंह कुछ बच्चों के चक्कर में दिक्कत होती है। आप नहीं सीखना चाहते तो आप जा सकते हैं, माय डियर एस्पिरेंट, मुझे सिखाना है अपने यहां पर आए हुए हर एक बच्चे को जो यहां पर अवेलेबल है, सबको सिखा कर रहूंगा। तो स्टार्ट करता हूं, देखिए लेट्स हैव अ लुक, वापस चलते हैं। एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, आपको स्टूडेंट को सिखाना है, आप एक टीचर हैं, तो किन बातों के लिए पहले मैं आपको बता दूं। देखिए ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको सिखाने हैं, ये लिख लीजिए, पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। ये 4 क्वेश्चन है जो आपको सिखाना है उस बच्चे को, इसके अलावा कुछ नहीं सिखाना। ये 4 क्वेश्चन उसको सिखा दिए तो स्लॉग्स उसको पूरा आ जाएगा। आप इन 4 स्टेटमेंट को लिख लो, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। आप इन 4ों को लिख लीजिए, बस अपने पास लिख लो पहले। ये स्टेटमेंट है कथन, हिंदी में बोलू तो ये कथन है, इंग्लिश में बोलू तो स्टेटमेंट है। ये 4 क्वेश्चन आपको उस बच्चे को सिखाने हैं, आप उस 4 क्वेश्चन को सिखाने आए हो उस बच्चे को। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 4, याद रखना। इन 4 के अलावा जनरली कोई क्वेश्चन नहीं होता, ये 4 क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होता। वेरी गुड, अब ये 4ों क्वेश्चन लिख लिए अपने अपने पास, लिख लिया। हीरेंद्र सिंह, हर्षित तुलसान बोले सर मुझे खुद नहीं आता, मैं बच्चों को सिखाऊंगा, वो मैं सिखवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। 4ों लिख लिए, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, ऑल ए आर बी, सभी बी ए बी है, और सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, लिख लिया। चले आगे चले हम लोग, नोट डाउन हो गया। यस, इंग्लिश में बेटा, इंग्लिश में भी तो लिखा हुआ है, सम ए आर बी, नो ए इज बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लिख लिया। लिख लिया यहां तक, आगे मूव करूं, अब समझिएगा। अब मैं चलता हूं, ये क्वेश्चन है हमारा, ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन के बाद ये 4 में से कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितने तरीके से उसका कॉन्क्लूजन बन सकता है, मैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है? तो तैयार हो जाइए। सबसे पहले ये लिखिए, ये देखिए, ये कॉन्क्लूजन है, 8 कॉन्क्लूजन होते हैं, बस ये 8 कॉन्क्लूजन लिख लो पहले। 4 क्वेश्चन लिखे, 8 कॉन्क्लूजन लिखो। ये एक ही तरफ से कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष, और ये 4 बी की तरफ से कॉन्क्लूजन, कॉन्क्लूजन मतलब निष्कर्ष, और ऐसे ही लिखिएगा जैसे मैं लिखवा रहा हूं, ऐसे ही लिखिएगा, सम ए आर बी, कुछ ए बी है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, और सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, और यही 4ों कॉन्क्लूजन बी की तरफ से, सम बी आर नॉट ए, ऑल बी आर ए, नो बी इज ए, सम बी आर नॉट ए, इतना लिख लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, केवल इतना लिख लो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, और जल्दी से बताओ, इतना लिख लिया तो मैं आगे चलूं। डन, यहां तक लिख लिया, पूजा ने लिख लिया, अभिषेक गुप्ता गुड इवनिंग, बनाश्री पॉल डन, राजीव वालिया हिंदी में, बेटा हिंदी बताया तो था अभी, नारायण दास हिंदी के लिए देख लो, ये रहा हिंदी वाला, हिंदी लिखवाया तो था, कुछ ए बी है, कोई ए बी नहीं है, सभी ए बी है, कुछ ए बी नहीं है, और यही वाले 4ों वर्ड उधर की तरफ से, इतना लिख लिया तो मैं आगे चलूं।
चार कॉन्क्लूजन, चार निष्कर्ष जो वो उत्तर देगा किन बातों के। तो चार ये रहे ए की तरफ से और चार ये रहे बी की तरफ से। इतना हो गया तो मैं आगे चलूं। मैंने पहले ही बोला आज मैं इतना स्ट्रांग आपका कंसेप्ट कर दूंगा, आपके सारे कंसेप्ट हिल जाएंगे, पूरे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलें आगे चलूं। याद रहेगा कितने क्वेश्चन, देखो समझ लो एक बार जो लेट जुड़े हो, ये आप हैं। आज मैंने आपको टीचर बनने का मौका दिया, ये आप हैं। और ये मौका क्यों, जिससे आप कभी क्वेश्चन ना भूलो, जिससे आप कभी क्वेश्चन नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे, ना क्वेश्चन ना आंसर, कभी नहीं भूलोगे। याद रखना कभी नहीं भूलोगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। एक भी मेंबर जो यहां पर मौजूद है वो एक भी आंसर गलत नहीं करेगा, बस समझता रहे धीरे धीरे करके। चलता हूं, अब समझते हैं। चार क्वेश्चन थे, मैंने कहा चार क्वेश्चन है, अब एक एक करके सबसे डील करेंगे और एक एक करके सारे आंसर से डील करेंगे। चलो अब चलता हूं मैं आगे। अब आ गए हम लोग सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर वन की तरफ चलता हूं। क्वेश्चन नंबर वन आप सिखा रहे हैं बच्चे को, आपने पहला क्वेश्चन दिया बच्चे को, आपने सिखाया वो आंसर करेगा। आपने क्या सिखाया उसको, आप आज घर में आए उसके और आपने पहले दिन क्वेश्चन सिखाया क्वेश्चन नंबर एक कि कुछ ए बी हैं, सम ए आर बी। आपने सिखाया उसको सम ए आर बी, लिखते रहना भैया जो मैं लिख रहा हूं। आपने उस बच्चे को सिखाया पहले दिन सम ए आर बी, कुछ ए बी है, केवल इतना सिखाया, एक क्वेश्चन सिखाया केवल इतना, सम ए आर बी सिखाया, ठीक है, इतना सिखा दिया उसको। आपने बता दिया कुछ ए बी है, इसका डायग्राम ऐसे बनता है, कुछ ए बी है, इसका डायग्राम ये बन गया, कुछ ए बी हो गए, ए और बी का कितना पार्ट कॉमन हो गया, इतना, समझना। आपने पहला क्वेश्चन सिखाया कुछ ए बी है, तो उसने बना दिया डायग्राम और सम ए आर बी। सम कहां पर रिलेट है, ये रहा जो ब्लू वाला शेड है। अब आपने इतना सिखाया था, आपने इतना सिखाया, बच्चे को इतना सिखाकर आप भाग गए, समझना। आपने इतना सिखाया और आप भाग गए, घर चले गए, आपने इतना सिखाया और आप भाग गए और मैं वहां आ गया। समझ लो ध्यान से, आपने सम यार भी सिखाया उस बच्चे को और आप भाग गए, घर चले गए, इतना सिखाकर आप घर चले गए और वहां मैं पहुंच गया। मैंने पूछा बेटा आपके टीचर ने आपको क्या सिखाया है, तो मैं, उसने कहा भैया ये सिखाया है, उसने कहा टीचर ने आज ये सिखाया है, तो मैंने इस बच्चे से जिसको आपने सिखाया था, मैंने इससे चार क्वेश्चन पूछे, चार। आपको उन चार में से वो कौन कौन से जवाब सही देगा, कौन कौन से जवाब गलत देगा, ये मुझे बताना। देखना, चलता हूं अगले पेज पर, अगले पेज पर दिखाता हूं। मैंने उससे चार कॉन्क्लूजन पूछे, मैंने पहला कॉन्क्लूजन पूछा सम ए आर बी, कॉन्क्लूजन है ये, स्टेटमेंट तो आप सिखा कर गए थे, मैंने कॉन्क्लूजन पूछा पहला, फिर दूसरा पूछा ऑल ए आर बी, फिर तीसरा कॉन्क्लूजन पूछा। याद रखना मैं सब कुछ सिखा रहा हूं, ऐसा सिखा दूंगा कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है। आप सिखा के गए थे ये, आप ये सिखाकर गए स्टेटमेंट, आप सिखाकर गए थे स्टेटमेंट, और मैं बच्चे से पूछ रहा हूं कॉन्क्लूजन जिसको आपने सिखाया था। सिखा आप रहे हो, पूछ उससे मैं रहा हूं। आपने सिखाया सम ए आर बी और मैंने बच्चे से पूछे इतने सारे क्वेश्चन। तीसरा मैंने पूछा नो ए इज बी और चौथा मैंने पूछा सम ए आर नॉट बी। रीजन, इन चार के अलावा कोई और क्वेश्चन होगा ही नहीं, सम ए आर नॉट बी। अब खुद बताओ, अब मुझे आप बताओ, जिस बच्चे को आपने ये सिखाया है स्टेटमेंट में, जिसको आपने सिखाया सम ए आर बी, तो अब मैंने उससे पूछा, मैंने उससे जाकर पूछा सम ए आर बी, क्या ये बात सही है या गलत, तो बच्चा क्या बताएगा। मैंने उस बच्चे से आकर यहां पे ये चार क्वेश्चन मैंने पूछे, मैंने उस बच्चे से पूछा कि भैया कुछ ए बी हैं
तो वो क्या बताएगा, राइट रॉन्ग? जवाब दीजिए, राइट बताएगा रॉन्ग, बस इतना बताओ। सिखाने का तरीका मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं आज ऐसा सिखा दूंगा कभी नहीं भूलोगे। इतना बताओ, आपने सिखाया था समयार्वी, आपने ये सिखाया और मैंने आगे यही पूछ लिया, तो राइट बोलेगा रॉन्ग? बस इतना बताओ, राइट या रॉन्ग? देखो अपनी नॉलेज छोड़ दो। देखो कुछ बोल रहे, रीस्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है, भूल जाओ यार, रीस्टेटमेंट फॉल्स नहीं होता, ट्रू होता है। सर एक बार जूम करो, इनको समझाना पड़ेगा, समझते नहीं है। बेटा समझो, मैं चाहता तो डायरेक्टली लिखवा देता कि ये सही है गलत, वो कंसेप्ट नहीं है मेरा। मैं रेलवे की क्लास के हर एक बच्चे को ऐसा बनाना चाहता हूं कि उसको सब कुछ आए, सॉलिड तरीके से आए, एक नए तरीके से सीखो। सीखते तो रोज हैं, पढ़ते तो रोज हैं, पढ़ना वढ़ना नहीं है, हमें सीखना है, समझना है। मेरी बात का जवाब देते रहो, एक्स्ट्रा जवाब मत दो। मुझे आप लोगों से एक भी एक्स्ट्रा जवाब नहीं चाहिए, जो पूछ रहा हूं उतना जवाब दो और फिर मुझसे लिखवा कर ले जाओ, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तैयार हो? अब जो मैं पूछूंगा बस उसका जवाब देना, बाकी जवाब मत देना, बस उतना जवाब देना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो। तैयार है आप लोग? अब वो आंसर करना जो मैं पूछूं, बोर्ड पर आ जाओ। ये बताओ समयार्वी राइट है? आप सिखाकर गए थे, ये रहे आप सिखाकर गए थे समयार्वी, और मैंने आकर पूछ लिया समयार्वी राइट है रॉन्ग है, राइट या रॉन्ग? राइट राइट राइट, ये हुई बात। समयार्वी राइट या रॉन्ग? तो राइट, बिल्कुल सही। तो उसने बच्चे ने कहा बिल्कुल सही है, उस बच्चे ने कहा यह बात बिल्कुल सही है, वो जानता है। अब समझना क्वेश्चन, आपने केवल इतना सिखाया समयार्वी और मैंने आकर उससे पूछा सारे ए बी हैं, तो वो क्या जवाब देगा? मैंने आकर क्वेश्चन पूछा सारे ए बी हैं, तो वो जवाब देगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो बच्चा है छोटा सा, समझना, वो बच्चा है भैया 4 साल का, देखना ये रहा, वो 4 साल का बच्चा है, 4 साल का, 4 साल का बच्चा। जैसे ही मैंने उससे कहा सभी ए बी हैं, तो वो जवाब देगा उसे नहीं मालूम, समझना। वो जवाब क्या देगा? वो कहेगा मैं नहीं जानता, वो जवाब देगा मैं नहीं जानता, समझना बहुत ध्यान से, कोई नहीं बताएगा आपको, उसका जवाब यही तो होगा। हां बिल्कुल सही, कांट से, वेरी गुड, कांट से बोल रहे, कांट से। तो वो बच्चा जवाब देगा, बच्चा क्या कह रहा है समझ लो, वो बच्चा जिसको आप सिखाकर गए वो कह रहा है मैं नहीं जानता, मतलब कांट से। तो मैंने उससे कहा कि बेटा तेरे टीचर जो सिखाकर गए हैं तो कांट से वांट से नहीं, मुझे जवाब दे ये ऑल यार भी राइट होगा या रॉन्ग होगा, क्योंकि हमारे पास या तो राइट करेंगे हम या रॉन्ग, तो मुझे इतना बताओ ऑल यार भी राइट या रॉन्ग। तो वो बच्चा कहेगा सर ये बात गलत है, क्यों? क्योंकि वो नहीं जानता, जो बात आप नहीं जानते वो किस में चली जाएगी, फॉल्स में, कांट से मतलब फॉल्स, राइट। चलू आगे तो बिल्कुल जो बात नहीं मालूम वो क्या बोलेगा, मैं नहीं जानता इसलिए गलत। अब तीसरा क्वेश्चन, सिखाकर गए आप समयार्वी और मैंने पूछ लिया कोई भी ए बी नहीं है, तो वो बात क्या बोलेगा? वो कहेगा ये बात गलत है, रीजन पहले से ही कुछ ए बी है, सही है, मैंने कहा कोई ए बी नहीं है, तो वो क्या जवाब देगा? फॉल्स। क्यों? क्यों भैया? क्योंकि पहले से ही कुछ ए बी हैं, ये रहे कुछ ए बी, सम ए आर बी ऑलरेडी था, तो जैसे ही मैंने उससे कहा कोई ए बी नहीं है तो उसने क्या कहा, ये बात गलत है, सही। आगे मूव करूं, अगले वाला देखो, चौथे वाला, मैंने उससे पूछा कुछ ए बी नहीं है, इसका भी जवाब वो क्या देगा, ये बात भी वो नहीं जानता इसलिए गलत, इसीलिए गलत क्योंकि वो नहीं जानता। आगे मूव करूं, वेरी गुड, 4 में से केवल एक सही हुआ, बाकी सारे गलत हुए, मैं इसको साफ कर देता हूं, समझना बहुत ध्यान से, 4 में से केवल एक सही हुआ बाकी सारे गलत। अब बहुत ध्यान से देखना, अब यही चारों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से देखना जो मैं समझा रहा हूं,
जो अभी अभी आपने सीखा वो ए की तरफ से सीखा, जो अभी अभी आपने सीखा वो ए की तरफ से सीखा। अब देखो मैं एक नया तरीका सिखा रहा हूं, एक और नया तरीका, आप समझना। अगर यही चारों क्वेश्चन मैं बी की तरफ से पूछ लू, सम बी आर ए, ऑल बी आर ए, नो बी इज ए और सम बी आर नॉट ए, अब बताओ। अगर यही चारों क्वेश्चन, आप तो वही सिखा कर गए हो, आप तो सिखा कर गए हो सम आर बी, और मैंने आकर उससे पूछा सम बी आर ए, ऑल बी आर ए, नो बी इज ए, सम बी आर नॉट ए। कुछ लोग बोल रहे हैं सर उसकी पिटाई हो जाएगी। बेटा उसकी पिटाई नहीं करनी, वो तो सही जवाब दे रहा है। अब ये बताओ मुझे, अगर यही क्वेश्चन है, स्टेटमेंट यही है, तो इन चार में से कौन सा कॉन्क्लूजन सही होगा? क्विकली आंसर चाहिए। वेरी गुड, त्रिशा बोल रही है फर्स्ट सही होगा, जयप्रकाश फर्स्ट सही, सतेंद्र फर्स्ट सही, सेम आंसर होगा बिल्कुल। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, जो आंसर उसमें सही था वो अभी भी सही होगा सम बी आर ए, जो आंसर सम आर बी में सही था वो अब भी सही है सम बी आर ए, बाकी ऑल बी आर ए भी फॉल्स, नो बी इज ए भी फॉल्स और सम बी आर नॉट ए भी फॉल्स। याद रहेगा, याद रहेगा, फर्स्ट वाला आपका ट्रू, बाकी तीनों फॉल्स, फर्स्ट ट्रू बाकी तीनों फॉल्स। अब इसको इंप्लीमेंट करते हैं, अब इसको करते हैं इंप्लीमेंट। अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको उसका जवाब देना है, आप तैयार हो जाओ। अब इसी पर घुमाकर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। देख लो स्टेटमेंट है, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, तीन स्टेटमेंट दे रहा हूं और तीन कॉन्क्लूजन दूंगा, आपको बताने कौन सा सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट, सम ए आर सी, स्टेटमेंट सेकेंड, सम सी आर डी, स्टेटमेंट थर्ड, सम डी आर ई। ये तीन मैंने स्टेटमेंट बोली, ये तीन स्टेटमेंट है, क्योंकि इतना तो आप सिखा कर गए थे ना, मैं घुमा घुमा कर पूछ रहा हूं उस बच्चे से। अब कॉन्क्लूजन मैंने उससे पूछा, तीन कॉन्क्लूजन पूछ रहा हूं, आपको बताने कौन सा सही है कौन सा गलत है। फर्स्ट, सम डी आर ए, सेकेंड सम ई आर डी और थर्ड सम ए आर ई। तीन स्टेटमेंट, तीन कॉन्क्लूजन, जल्दी से मुझे बताओ कौन सा सही कौन सा गलत, क्विकली तेजी के साथ जल्दी जल्दी जवाब दो। तीन स्टेटमेंट, तीन कॉन्क्लूजन, कौन सा कॉन्क्लूजन सही होगा? आप सिखा रहे हो उस बच्चे को, अगर उसको समझ में नहीं आया तो आपकी गलती है भैया। फर्स्ट ट्रू, सेकेंड ट्रू, जयप्रकाश बोल रहे सेकेंड, सत्येंद्र बोल रहे फर्स्ट, जवाब दीजिए जल्दी से। एक स्टेटमेंट, तीन कॉन्क्लूजन, कौन सा सही है? क्विकली क्विकली क्विकली, सेकेंड वन बोल रहे हैं, सेकेंड सही है, सेकेंड 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 सेकेंड। तो देखो पहले डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम बना, सम ए आर सी, सम सी आर डी, सम डी आर ई, ये डायग्राम ड्रॉ हुआ, ये डायग्राम ड्रॉ हुआ। पहला बोल रहा है डी और ए के बारे में, तो डी से ए के बारे में नहीं मालूम, तो वो क्या कहेगा, मुझे नहीं मालूम। वो बच्चा बोलेगा मुझे नहीं पता डी और ए के बारे में। जब डी और ए के बारे में वो बच्चा नहीं जानता तो वो क्या बोलेगा, ये बात गलत है, समझ लेना। वो बच्चा जैसे ही आप बोलोगे कुछ डी ए है तो वो बोलेगा मेरे को नहीं मालूम, और जो नहीं मालूम वो फॉल्स। आगे बढ़ू, अगला वाला सम ई आर डी, जैसे ही मैंने कहा कुछ ई डी है तो कुछ ई डी कहां पर है, देखो ये रहे कुछ ई डी, ये रहे, तो जैसे ही हमने ये पूछा तो वो क्या कहेगा, ये बात बिल्कुल सही है, सेकेंड वन हो गया करेक्ट। थर्ड पर चलो, सम ई आर ई, तो जैसे ही मैंने ए और ई के बारे में पूछा वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा मेरे को नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, और जब उसको नहीं पता तो जवाब क्या आएगा, फॉल्स। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ओनली फर्स्ट इज ट्रू, सही है। आगे चलूं, अब चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन। अब आप अगले दिन फिर आ गए, अब आपका अगला दिन,
आप अगले दिन फिर आ गए, आप अगले दिन आए और फिर बच्चे को सिखा रहे हैं उससे आगे, आप अगले दिन फिर आ गए और सिखा क्या रहे हैं, आपने आज सिखाया उसको क्वेश्चन नंबर टू, समझना। अगले दिन आप फिर उसके घर गए और इस बार आपने उसको सिखाया नो ए इज बी, आपने सिखाया कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, और आपने सिखाया इसका डायग्राम क्या बनता है, समझ लेना बहुत ध्यान से जो समझा रहा हूं, आपने सिखाया इसका डायग्राम क्या बनता है, आपने बताया देखो कि ये रहा ए और ये कहां नहीं जाएगा, बी के घर में, सही है, कोई भी ए बी नहीं है, तो सेम कोई भी बी यहां पर बैठा हुआ, कोई भी बी भी ए नहीं है, ये भी हमें पता लग गया, याद रखना कोई भी ए बी नहीं है तो कोई भी ए बी भी नहीं होगा, ये बात हमें अंडरस्टूड हो गई, समझ गए। अगले दिन आपने सिखाया बच्चे को इतना और आप फिर भाग गए, आप फिर भाग गए, आप फिर भाग गए, अब आप भाग गए और मैं आ गया आपके पीछे पीछे, फिर मैं आ गया, अब मैंने फिर क्वेश्चन दागने शुरू किए उस बच्चे से, अब मैं फिर से क्वेश्चन दाग रहा हूं, आपको बता रहे कौन सा सही कौन सा गलत, देखो फिर से समझना, अब मैंने इससे क्वेश्चन पूछना शुरू किया, मैंने क्वेश्चन पूछना शुरू किया इस बच्चे से, वापस वही चारों सम आर बी, ये चार क्वेश्चन पूछने शुरू किए, कॉन्क्लूजन पूछने शुरू किए मैंने, कॉन्क्लूजन फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सम आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए इज बी, और लास्ट सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सिखाकर गए थे आप इसको, स्टेटमेंट सिखाकर गए थे आप नो ए इज बी, और मैंने आकर इससे ये चारों क्वेश्चन पूछ डाले, आप बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत, जल्दी से बताओ, आप लोग भाग गए और आपके बाद मैंने चार क्वेश्चन पूछे, अब बताओ उसका आंसर क्या होगा, ओनली फोर्थ इज राइट, थर्ड इज राइट, थर्ड 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 और फोर्थ, थर्ड और फोर्थ, वेरी वेल डन, समझना बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे समझना, देखो आपने उस बच्चे को सिखाया, अब समझो जब टीचर ही नहीं सिखा पा रहा, आप ही नहीं सिखा पा रहे हो तो वो क्या खाक सीखेगा, समझो ध्यान से, आपने उस बच्चे को सिखाया कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, जब आपने उसको सिखाया कोई भी ए बी के घर में नहीं जाएगा, सारे के सारे ए बी के घर में नहीं जाएंगे, तो देखो पहला कॉन्क्लूजन पूछा सम ए आर बी, तो जवाब क्या देगा, फॉल्स, क्यों, क्योंकि सारे ए बी के घर नहीं जाएंगे तो सम ए आर बी कभी नहीं होगा, दूसरा पूछा ऑल ए आर बी, तो ये भी फॉल्स, क्यों, सारे के सारे ई बी के घर नहीं जाते, तीसरा नो इज बी राइट, रीजन जो आपने सिखाया था वो ही मैंने पूछ लिया, जो आपने सिखाया वो ही बात मैंने पूछ ली, तो वो बात क्या आएगी, बिल्कुल सही, क्वेश्चन फंसेगा चौथे वाले पर, क्वेश्चन आपका फंसेगा चौथे वाले पर, समझो, अब मैंने दिमाग लगाया और पूछा, मैंने दिमाग लगाया और पूछा कुछ ए बी नहीं है, सम ए आर नॉट बी, तो खुद सोचो इस सर्किल में देखो, जब सारे ही ए बी नहीं है, जब सारे ए बी नहीं है तो ये बात तो अंडरस्टूड है, ये बात तो अपने आप ही सही है कि कुछ ए बी नहीं है, जब सारे के सारे ए बी नहीं है तो कॉमन सेंस, अगर मैंने पूछा कुछ ए बी नहीं है तो ये वाली बात भी क्या होगी, बिल्कुल सही होगी, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ, बोथ आर करेक्ट, सही है, तीसरा भी सही और चौथा भी सही, समझ गए, आगे चलता हूं, अब देखो फिर से, देखो फिर से देखना,
ये सीख लिया, अब आगे चलो थोड़ा सा। अब मैंने यहां पर रख दिया ए की जगह बी और बी की जगह ए। अगर ए की जगह मैं बी रख दूं और बी की जगह ए रख दूं तो क्या क्वेश्चन पर फर्क पड़ेगा? तो देखो, यहां बी लिख दिया, यहां ए लिख दिया, यहां बी यहां ए, यहां बी यहां ए, यहां बी और यहां ए। अब बताओ क्वेश्चन सेम है, ये पहला कॉन्क्लूजन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अब बताओ क्या आंसर पर फर्क पड़ेगा या सेम रहेगा? क्या आंसर पर फर्क पड़ेगा या सेम रहेगा? मुझे जवाब चाहिए। द्वारिका नाथ मिश्रा बोल रहे हैं कि रॉन्ग हो गया मेरा सर। लास्ट टू राइट, लास्ट थर्ड और फोर्थ राइट, वेरी गुड। दीपक कुमार ओनली थर्ड एंड फोर्थ ट्रू। चांदनी बोल रही है अंडरस्टूड है सर। श्याम सुंदर बोल रहे हैं सर रिपीट कर दीजिए। बेटा अभी रिपीट कर देंगे इस वाले में। वेरी गुड, देखो सेम आंसर होगा, पहला गलत दूसरा गलत तीसरा सही चौथा सही, पहला गलत दूसरा गलत तीसरा सही चौथा सही। क्यों देख लो एक बार, जिन लोगों को नहीं समझ में आया, नो ए इज बी का मतलब है जब भी नो ए इज बी होगा, नो ए इज बी जब भी नो का रिलेशन होगा, इसका मतलब यह है कि इस सर्किल का हर एक पॉइंट, इस सर्किल का हर एक पॉइंट कहां नहीं जाएगा? बी के पास। और बी का सारा पार्ट कहां नहीं जाएगा? ए के पास। अब खुद बताओ जब कोई भी बी ए नहीं है, नो बी इज ए है, तो नो ए इज बी भी सही होगा, नो ए इज बी, ये दोनों बात सही अपने आप हो गई। और जब सारा ही सही नहीं है तो ये वाली बात फ्री मिलेगी। जब आपको सारी बात पता है तो थोड़ा बात अपने आप फ्री। नो बी इज ए का मतलब सम बी आर नॉट ए, ये भी फ्री में सही हुआ। और सम ए आर नॉट बी, ये भी फ्री में सही हुआ, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी भी सही और सम बी आर नॉट ए भी सही। चलिए एक बार स्टाइलस बदल लें। ध्यान रखिएगा दोनों चीजें सही होंगी, फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाले भी। अब चलता हूं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन क्या है आज? अब आप तीसरा क्वेश्चन सिखाने आए, अब आप उसको तीसरा क्वेश्चन सिखाने आए, जब आपका तीसरा दिन है। अब आपने तीसरा क्वेश्चन सिखाया, स्टेटमेंट नंबर थर्ड, तीसरे दिन आप तीसरा क्वेश्चन सिखाने आए और आपने कहा ऑल ए आर बी। आपने उस बच्चे को सिखाया सभी ए बी है, समझना, आपने सिखाया सभी ए बी है और डायग्राम सिखाया आपने इसका ऑल ए आर बी, आपने डायग्राम सिखाया ऑल ए आर बी। यहां पर ध्यान रखना, यहां पर इमेज अलग अलग है। अभी तक दोनों क्वेश्चन में मैं सेम थी, सम ए आर बी में भी सेम बन रहा था दोनों तरफ और नो ए एस बी में भी सेम बन रहा था दोनों तरफ, लेकिन यहां पर थोड़ा लोचा है। जिसका नाम पहले होगा, ये ध्यान रखना, और ट्रिक बताने वाला हूं मैं इसकी ट्रिक बताने वाला हूं याद करने की। जिसका नाम पहले होगा वो छोटे सर्किल में और जिसका नाम बाद में होगा वो बड़े सर्किल में आएगा। जिसका नाम पहले वो छोटे सर्किल में, जिसका नाम बाद में वो बड़े सर्किल में, ठीक। अब देखो ध्यान से, हमेशा छोटे सर्किल से बड़े वाले की तरफ चलोगे, छोटे सर्किल से बड़े वाले की तरफ चलोगे तो दो आंसर सही आएंगे, समझ लेना। ट्रिक क्या है, कॉन्क्लूजन जब आप सॉल्व करोगे तो छोटे सर्किल से बड़े वाले की तरफ जब भी चलोगे तो दो आंसर सही आएंगे, ऑल वाला भी और सम वाला भी, ऑल वाला भी और सम वाला भी, वो भी पॉजिटिव। और जब बड़े सर्किल से छोटे वाले की तरफ चलोगे, बड़े से छोटे वाले की तरफ जब भी चलोगे, समझ लेना, तो केवल एक आंसर सही होगा। जब बड़े से छोटे वाले की तरफ चलेंगे तो केवल एक आंसर सही होगा, सम पॉजिटिव, सही है, याद रहेगा।
छोटे वाले सर्किल से बड़े वाले की तरफ चलोगे तो दो आंसर, ऑल ए आर बी बी ट्रू, ऑल बी आर ए बी ट्रू, सॉरी ऑल ए आर बी बी ट्रू और सम ए आर बी बी ट्रू, ऑल ए आर बी बी ट्रू, सम ए आर बी बी ट्रू। और जब बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ चलोगे तो केवल एक बात सही होगी, सम बी आर ए। याद रहेगा, बड़े से छोटे की तरफ एक आंसर और छोटे से बड़े की तरफ दो आंसर, ऑल ए आर बी और सम ए आर बी, केवल इतना सही होगा और सारा गलत। याद रहेगा, चलू आगे, ध्यान रहेगा, सही है, गॉट इट, नाइस ट्रिक सर, श्याम सुंदर जी समझ आ गया, आगे चलू। केवल यही दोनों आंसर सही होंगे, छोटे से बड़े की तरफ दो आंसर, एक ये रहा एक ये रहा, और बड़े से छोटे की तरफ एक आंसर, ये लिख दिया मैंने सही। अब मैं इसका क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अब बचकर बाहर निकलना, अब बचकर बाहर निकलना, उस बच्चे को सही सही रास्ते पर पहुंचाना। स्टेटमेंट दे रहा हूं, कॉन्क्लूजन दूंगा। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है, ऑल वन आर टू, ऑल टू आर थ्री, ऑल थ्री आर फोर, ये स्टेटमेंट है, डायग्राम बना लो। और कॉन्क्लूजन क्या है, कॉन्क्लूजन है चार चार कॉन्क्लूजन, एक दो तीन चार। पहला, ऑल वन आर फोर, दूसरा सम टू आर फोर, तीसरा ऑल फोर आर वन, चौथा ऑल थ्री आर टू। चलो चारों के आंसर चाहिए, जल्दी से क्विकली तेजी के साथ जवाब चाहिए, और जो ट्रिक बताई थी उसी को इंप्लीमेंट करना, जो ट्रिक सिखाई थी उसको इंप्लीमेंट करना और सही से सॉल्व करना। हिंदी में सभी एक दो हैं, सभी दो तीन हैं, सभी तीन चार हैं, इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा जितना मैं बताकर जा रहा हूं, और कोशिश कर रहा हूं दिमाग में ये बैठ जाए, क्योंकि ये बैठ गया ना तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर ले जाओगे, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बस इसको दिमाग में बिठा लो। जल्दी 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 जल्दी, फर्स्ट सेकंड ट्रू, फर्स्ट सेकंड ट्रू, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, बोर्ड बोर्ड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फॉल्स, फर्स्ट सेकंड ट्रू। देखो स्टेटमेंट बनाई आप लोगों ने, ऑल वन आर टू, वन अंदर टू बाहर, ऑल टू आर थ्री, तो पहले मैं यहां से जरा साफ कर लू, ये हटा दू, ऑल टू आर थ्री तो ये बन गया ऑल टू आर थ्री, ऑल थ्री आर फोर तो ये बन गया ऑल थ्री आर फोर। मैंने आपको अभी अभी सिखाया था, मैंने सिखाया था ट्रिक, छोटे सर्किल से बड़े वाले की तरफ जब भी पूछेगा तो दो आंसर सही आएंगे, एक ऑल वाला एक सम वाला, और कभी भी बड़े वाले से छोटे वाले की तरफ पूछेगा तो एक आंसर सही होगा, सम वाला। सिखाया तो ये, तो अब देखते रहो और शॉर्टकट में आंसर कर दो। ऑल वन आर फोर, तो देखो ऑल वन, वन कहां है, छोटा सर्किल, वन है छोटे सर्किल में, और छोटे से बड़े वाले की तरफ चलोगे तो ऑल क्या आएगा, ट्रू आएगा। समझना ट्रिक, छोटे सर्किल से बड़े वाले की तरफ, बड़ा वाला कौन है फोर, चलोगे तो ऑल क्या आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू कर दिया। दूसरा सम टू आर फोर, टू क्या है छोटा, फोर क्या है बड़ा, छोटे सर्किल से बड़े वाले की तरफ चलोगे तो सम क्या आएगा, ये भी राइट आएगा, छोटे से बड़े की तरफ सम भी राइट, तो ये लिखा हुआ है, ऑल बी ट्रू सम भी ट्रू, कब, जब छोटे से बड़े की तरफ चले, और बड़े से छोटे की तरफ, देखो बड़े वाले सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ चलोगे तो यहां पूछ रहे ऑल फोर आर वन, जवाब क्या आएगा, फॉल्स, बड़े सर्किल से छोटे वाले की तरफ ऑल नहीं सम सही होता है। फिर देखो चौथे वाले में ऑल थ्री आर टू, तो ये भी जवाब क्या आएगा, ये भी गलत, क्यों, बड़े सर्किल से छोटे वाले की तरफ केवल एक बात सही होगी, सम सही है। आगे चलो, समझ आ गया, अच्छा लग रहा है,
समझ में आ रहा है? तो अब चौथे क्वेश्चन पर चलता हूं। पूरा गला चीख चीख के आपको समझाने के चक्कर में पूरा चला गया। अगला क्वेश्चन दिखाता हूं आपके लिए, चौथा क्वेश्चन। देखो ये बेस है मेरे प्यारे बच्चों, समझना, ये बेस है। बेस अगर अच्छा नहीं होगा तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मेरे आपको समझाने की एक नई कोशिश थी, ये एक मेरी नई अप्रोच थी। ये खुद बताओ, बच्चों की तरह मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों की तरह मैं आपको समझा रहा हूं, आपको कि ऐसे सिखा रहा हूं, प्यार से, बहुत प्यार से पाला है आप लोगों को मैंने, रेलवे की क्लास वाले बच्चों को बहुत प्यार से। आप समझना, यहां पर आप लोग पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर आखिरी पर पहुंच गए, चौथे वाले पर। अब आप सिखाकर गए सम ए आर नॉट बी, समझ लेना, सम ए आर नॉट बी, ये आप सिखाकर गए, ये स्टेटमेंट है, ध्यान से समझना। तो इसका डायग्राम बनेगा ए का, ध्यान से देख लो, इसका डायग्राम बनेगा ए का कुछ पार्ट, ए का कुछ पार्ट कहां नहीं जाएगा, बी के पास, ए का कुछ पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, लेकिन बी से ए के बारे में कुछ नहीं मालूम, समझ लेना। ऐसे क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, जो स्टेटमेंट है, वो ही कॉन्क्लूजन सही होगा। केवल एक ही कॉन्क्लूजन सही होगा इसमें, जो स्टेटमेंट में दिया गया है, सम ए आर नॉट बी। ध्यान रखना, इसको लिख लेना, ये ऐसा क्वेश्चन है, सम ए आर नॉट बी जो दिया गया है बस वो ही सही होगा, सम ए आर नॉट बी, बाकी सब गलत। और एक और चीज नोट डाउन कर लेना, सम ए आर नॉट बी ऑलवेज वन साइड रिलेशन, हमेशा सम ए आर नॉट बी में एक ही तरफ से आंसर होगा, एक ही तरफ से, बी की तरफ से सारे आंसर गलत, बी की तरफ से सारे आंसर गलत। लिख लेना भैया, बाद में मत कहना सर ने नहीं बताया, ध्यान दो। ए का कितना पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, इतना, ए का थोड़ा सा पार्ट बी के पास नहीं जाएगा, लेकिन बी से ए के बारे में पूछोगे तो बी को ए के बारे में पूछने पर वो कहेगा कुछ नहीं मालूम, बी बोलेगा कुछ नहीं मालूम, और जब कुछ नहीं मालूम तो बी से ए के बारे में सारी बातें गलत। तो जितना पूछा गया केवल एक आंसर सही होगा, सम ए आर नॉट बी, जो स्टेटमेंट वो ही कॉन्क्लूजन। तो यहां पर लिखा है बच्चे की जान लेंगे हम, नहीं बेटा बच्चे की जान नहीं लेंगे, समझो। शुरू से आता हूं एक बार, शुरू से आता हूं। पहले ये सीखा आपने, फिर मैंने आपको ये सिखाया, आज की क्लास की बात करूं मैं, फिर मैंने ये चार क्वेश्चन बताए। देखो चार क्वेश्चन थे, सम ए आर बी, नो एज बी, ऑल ए आर बी और सम ए आर बी, चार क्वेश्चन थे, चारों सीख लिए, चार क्वेश्चन थे, चारों आपने सीख लिए, चारों के उत्तर सीख लिए, चारों सीख लिए ना। जब चारों क्वेश्चन सीख लिए यार, तो उसके बाद अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा सम ए आर बी की जगह वो लिख देगा सम कैट आर डॉग, सम कैट आर डॉग लिख देगा, ऑल ए आर बी की जगह नो ए एस बी की जगह लिख देगा नो पेन इज पेपर, नो पेन इज पेपर, ऑल ए आर बी की जगह लिख देगा ऑल, ऑल डंकी आर मंकी, ऑल डंकी आर मंकी, सम ए आर नॉट बी की जगह लिख देगा सम वन आर नॉट टू। क्या नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नाम को बदलने से क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आज आपका काम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका काम क्या है? सर मेरे को एक बार जूम कर दें। आज आपका काम है, देखो आज आपका काम है, मैं चाहता आज बहुत सारा लिखवाता रहता, क्वेश्चन करवा देता, कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्वेश्चन पढ़ पढ़कर कुछ फायदा नहीं होने वाला। आज आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, आप लोग क्या करिएगा, जितना आज मैंने पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट लिखकर एक बार फिर से रिपीट कर लेना, लिखकर रिपीट कर लेना। कल जब मैं आऊंगा,
कल जब मैं आऊंगा तो पहले इनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, पहले इनके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। फिर पढ़ाऊंगा इसकी पॉसिबिलिटी कि कौन कौन से आंसर और हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। सेशन बढ़िया लगा हो, एक नई अप्रोच के साथ मैंने सिखाने की मेरा प्रयास था कि आपको मैं एक नए तरीके से क्वेश्चन प्रेजेंट कर सकूं। एज ए टीचर आपने उस बच्चे को जो सिखाया, एज ए स्टूडेंट वो आपको आंसर कर रहा था, और आंसर वो केवल उतना ही कर रहा था, रीजन था क्योंकि वो 4 साल का बच्चा है, वो ही आंसर करेगा जो आप सिखाओगे। तो जितना आपने सिखाया स्टेटमेंट में उतना ही आंसर आ गया कॉन्क्लूजन में, बस टॉपिक खत्म। इतना ही सीखकर कल आ जाओगे, कल हम सीखेंगे इससे आगे का स्लॉग्स और आपके सामने होंगे बढ़िया बढ़िया बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल रात 8 बजे। थैंक यू सो मच, और अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले, डू लाइक द सेशन। सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल, बेल बटन पे क्लिक करते ही पाएं हर एक वीडियो की लेटेस्ट अपडेट।